To all of you, this is Devin Prashad taking on another lecture on the C programming series. Today we are going to discuss about this structure. Although we have discussed about this structure earlier, so this time again we are coming with a new and concise concept regarding this structure. Okay, so let us understand what is the structure and how do we insert element into the structure, and then how we are getting those elements from the structure. And then we will write a simple program where we will create an array of a structure and then dealing with that. Okay, so to begin with, just let us understand what is the meaning of the structure. So a simple definition, a simple statement is said about the structure is it is a group of dissimilar data items. देखो, earlier we have studied about the array, और array में हम सब लोगों ने ये देखा था कि array को क्या कहते हैं, array को simply हम लोग define करते हैं, it is a group of similar data items. Now we are saying that all the time in the real life हमें हमेशा similar data items नहीं मिलेंगे group करने के लिए, तो हमें डिसिमिलर डेटा आइटम्स के साथ में डील करना होता है. फॉर एग्जांपल, लेट सपोज हम एक डेटा रखना चाहते हैं जिसमें एक इंटीजर डेटा है और एक कैरेक्टर डेटा है और एक हमारे पास फ्लोट डेटा है. फॉर एग्जांपल, इंटीजर जो है वो है किसी बुक की डिटेल हम रख रहे हैं और बुक में नंबर ऑफ पेजेस जो है वो हमारा इंटीजर डेटा है. कैरेक्टर में अभी फ़िलहाल हम लोग उसके नेम का एक इनिशियल रखना चाहते हैं, तो फिलहाल हमारे पास एक कैरेक्टर वेरिएबल है और बुक के नेम का इनिशियल, लेट्स से ए बी सी जिससे भी स्टार्ट हो रहा है वो हम रखना चाहते हैं. फ्लोट में हमारे पास बुक की कोई प्राइस है, प्राइस फ्लोट वैल्यू होगी तो हम लोग प्राइस रखना चाहते हैं. तो एज यू सी दैट नाउ वी हैव अ ग्रुप ऑफ दीज थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा. अब इनको हमें एक साथ रखना है, एरे में पॉसिबल है नहीं, तो हमारे पास में क्या है, एक नया स्ट्रक्चर है और उसके अंदर में हम लोग इन तीन चीज़ों को रखेंगे. तो सबसे पहले इसको बनाने का काम शुरू होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्ट, इसका नाम दे देते हैं बुक, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और अपनी पहली चीज़ इंट पेजेज ये डिक्लेयर करके छोड़ देंगे. कैर नेम ये भी डिक्लेयर करके छोड़ दिया, एंड देन फ्लोट प्राइस ये भी डिक्लेयर करके छोड़ दिया. लास्ट में इसको कर्ली ब्रेसेस और सेमी कॉलन से बंद कर देना है. ओके, सो जो ऊपर हमने ग्रुप सोचा था उसको हम लोगों ने इस तरीके से उसके लिए एक फॉर्मेट तैयार कर लिया. ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाएगा डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर. अब यहां पे हमें एक थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि इस डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है. तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से हम सोच के चल रहे हैं कि ठीक है, हम पहले इंटीजर को रखना चाहते हैं, फिर कैरेक्टर को रखना चाहते हैं, फिर फ्लोट को रखना चाहते हैं, और ये तीन तरीके का हमारा डिफरेंट डेटा है. तो हम लोगों ने एक ऑर्डर डिसाइड कर लिया और एक अपने लिए अपने नाम का अपने लिए जैसे जिस भी नाम से हम फैमिलियर हैं, जैसे अभी इस वाले एग्जाम्पल में हमने सपोज नाम रख लिया स्ट्रक्चर का बुक, तो अब एक बुक का फॉर्मेट तैयार हो गया, एक स्ट्रक्चर बुक के लिए तैयार हो गया. और ये फॉर्मेट ये कहता है कि आपका कुछ इस तरीके से एक स्पेस अलोकेट होगा, उस स्पेस में ये पहले जो है जो बाइट है, पहले ये वाला इतना हिस्सा इंटीजर के लिए अलोकेट हो जाएगा. मान लेते हैं इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो 2 बाइट का स्पेस ये अलोकेट हो जाएगा पेजेस के लिए, यहाँ पेजेज आ जाएंगे. फिर उसके बाद हमें रखना है नेम जो कि कैरेक्टर है, तो 1 बाइट
जो हमारा नेम के लिए चला जाएगा, यहाँ पे नेम स्टोर होगा। और फिर उसके बाद हमारा फ्लोट है प्राइस, तो 4 बाइट हमारे प्राइस के लिए स्टोर हो जाएंगे। थोड़ा सा एड्रेसेस की बात करें तो अगर मैं बोलूं कि ये जो है स्पेस एक एड्रेस से स्टार्ट होता है 5001, आपको पता है कि एड्रेस एक बाइट का होता है, तो इसके बाद नेक्स्ट बाइट जो होगी उसका एड्रेस होगा 5002, क्योंकि ये 2 बाइट का टोटल स्पेस पूरा पेजेस के पास चला जाना है, इंटीजर के पास चला जाना है। तो हम ये बोलेंगे कि इंटीजर कौन से एड्रेस पे, हम हमेशा पहला एड्रेस पकड़ते हैं 5001 पे। डेफिनेटली ये जो कैरेक्टर है कौन से एड्रेस पे होगा, 2 बाइट तो लग जाएंगे आपके पेजेस को 5001 और 5002, तो ये आपका जो कैरेक्टर है ये ऑब्वियसली होगा 5003 पे। ऐसे ही इसके जस्ट बाद 5004 से आपका ये प्राइस वाला वेरिएबल स्टार्ट होना शुरू करेगा। इसको 4 बाइट लगेंगे, तो 4 इसको लग जाएगा, 5 इसको लग जाएगा, 6 इसको लग जाएगा, कहाँ तक चलेगा, 5007 तक। तो हमारे पास एक टोटल 7 बाइट की स्पेस होनी है, जिसमें पहले 2 बाइट इन पेजेस के लिए चले जाएंगे, इंटीजर वैल्यू के लिए चले जाएंगे, फिर उसके बाद 1 बाइट चला जाएगा कैरेक्टर के लिए, फिर उसके बाद 4 बाइट चले जाएंगे फ्लोट के लिए। दैट्स इट। ये फॉर्मेट, ये जो स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन हमने किया है, ये सिंपली अभी इस चीज़ को बताता है, इस स्पेस अलोकेशन को बताता है, इस फॉर्मेट को बताता है। तो अभी हमारा ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ आती है कि इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे कैसे। सपोज इस फॉर्मेट का हमको पता चल गया, अब इस फॉर्मेट के हिसाब से हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करनी है, तो वो कैसे करेंगे। तो हमें इसका सीधा सा मतलब है स्ट्रक्चर के मेंबर बनाना और उनका इनिशियलाइजेशन करना। तो स्ट्रक्चर मेंबर्स इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, एक तो ये सीखना है, और उनको एक्सेस कैसे करेंगे, एक ये सीखना है। तो हमारे लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हमने फॉर्मेट डिसाइड कर लिया, वो है स्ट्रक्ट बुक। अब हम इस फॉर्मेट को फॉलो करने वाला पहला वेरिएबल बनाने वाले हैं b1। अब हमारे पास 2 तरीके हैं। ये भी एक b1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, और इस तरीके से वही वाला स्पेस का फॉर्मेट हमको पहले से पता है, 2 बाइट, फिर देन 1 बाइट, फिर 4 बाइट। और यहाँ पे जो है नेम के लिए है, देन ये सॉरी ये आपका पेजेस के लिए, ये नेम के लिए, और ये प्राइस के लिए, और इसको एक नाम मिल जाएगा b1। तो अब हम ये बोलने वाले हैं कि ये वाला जो स्पेस था ये आपका था पेजेस के लिए, और ये वाला जो स्पेस था आपका नेम के लिए था, और ये वाला स्पेस था आपका प्राइस के लिए। तो अब हम ऐसे बोलने वाले हैं कि b1.pages, तो इसमें जो भी हमें वैल्यू रखनी होगी हम इसमें रख देंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे पेजेस में 483 लिखना है, तो मैं ऐसे करने वाला हूँ b1.b1, ये मेरे स्ट्रक्चर वेरिएबल है जिसकी एक इंस्टेंस बन गई है। और अब हम इस b1 में वैल्यू को इनिशलाइज करने वाले हैं, किस मेम्बर में, पेजेस नाम के मेम्बर में। तो b1.pages इसमें मान लेते हैं 480 हम लोगों ने असाइन कर दिया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस 480 विल गो हियर, देन b1.name इसमें हम इनिशियल कैरेक्टर रखना चाहते हैं, लेट से ए, तो ये ए यहाँ असाइन हो जाएगा। देन b1.price, ये प्राइस में मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ 230.45, तो ये जो प्राइस है ये आपका 230.45 इस वाले प्लेस पे चला जाएगा। तो ये है हमारा सिंपल मेंबर का इनिशियलाइजेशन। अब इनको एक्सेस करके देखना है, प्रिंट करना है। मान लीजिए एक ही लाइन में आप इन सब वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहते हो, तो आपको पता है प्रिंट कर ले हमारे प्रिंट एफ होता है। हमारे को सबसे पहले मान लीजिए पेजेज प्रिंट करने हैं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ पेजेज असाइन, पेजेज किस तरीके का है, इंटीजर है, तो परसेंटी कॉमा, फिर मुझे सपोज नेम प्रिंट करना है तो मैंने लिखा नेम असाइन, नेम अभी फ़िलहाल कैरेक्टर है तो परसेंट सी कॉमा, देन मुझे प्राइस प्रिंट करना है तो मैंने लिखा प्राइस, और साल प्राइस कैसा है परसेंट एफ, सारा इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके। हमें पता है कि b1 के अंदर में से मुझे प्रिंट करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि b1 का पेजेज वाला मेंबर, तो b1.pages
निकाल लेंगे। देन B1 के अंदर जो नेम है उसको प्रिंट करना है, देन B1 के अंदर जो प्राइस है इसको प्रिंट करना है। दैट्स इट, एक सिंपल प्रिंट अप स्टेटमेंट से सारी चीज़ों को, सारे मेंबर्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट मेंबर इनिशियलाइजेशन, व्हाट वी आर डूइंग हियर। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मेंबर इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग इनको एक्सेस कर रहे हैं और इनके वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, तो द वेरी सिंपल थिंग। अब यही हम लोग एक प्रोग्राम बना करके देखेंगे, और प्रोग्राम बनाने के साथ में हम लोग ये भी देख लेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अच्छा, इस उस प्रोग्राम बनाने से पहले एक और तरीका देख लेते हैं कि हमारे पास एक तरीका तो ये है सिंपल कि हमने पहले डिक्लेयर किया फिर इनिशियलाइज़ किया, और हमारे पास एक और तरीका हो सकता है कि जैसे हम लोग बनाना चाहें एक और स्ट्रक्ट वेरिएबल, तो हमने बोल दिया स्ट्रक्ट बुक B2 और डिक्लेरेशन के साथ में इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं, तो जिस ऑर्डर में हमने चीज़ें डिफाइन की हैं, पहले हमने पेजेस देने हैं, मान लीजिए हमें 450 हमें पेजेस देने हैं, तो हमें वही देना है। फिर सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टर के लिए मान लेते हैं इस बार बी देना है। थर्ड हमने प्राइस के लिए रखा, मान लो 33.5 रखना है, तो ऐसे हम लोग कर्ली ब्रेसेस से देंगे तो ये वाला वैल्यू चला जाएगा पहली पोजीशन में, ये दूसरी पोजीशन में, ये तीसरी पोजीशन में। तो अभी क्या होगा, आपका B2 नाम का एक और स्पेस क्रिएट हो जाएगा और डिक्लेयर होने के बाद इनिशियलाइज भी हो जाएंगे। यहाँ 450 इनिशियलाइज हो जाएगा, यहाँ B इनिशियलाइज हो जाएगा, एंड देन यहाँ 33.5 इनिशियलाइज होगा। नाउ एट दिस मोमेंट इफ समबडी विल आस्क, क्या हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का एरे बना सकते हैं, तो हम देखेंगे हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा आइडिया है, हमें पता है कि ये एक स्ट्रक्चर है B1 और ये दूसरा स्ट्रक्चर है B2, एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट कि जो अभी तक आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो ये वाला पोर्शन, ये केवल डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन ये बताता है कि आपका स्ट्रक्चर का फॉर्मेट ये होने वाला है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर आप कब क्रिएट करते हो, जब आप ये वाली लाइन लिखते हो स्ट्रक्ट बुक B1 स्ट्रक्ट बुक B2, तो ये लाइनें लिखने के साथ में ही आपका एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन होगा लाइक दिस, एंड देन उन स्पेसेस में मेंबर का इनिशियलाइजेशन होगा। तो हम इनको एक्चुअल स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है B1 मेरा एक एक्चुअल स्ट्रक्चर है, B2 मेरा स्ट्रक्चर है, बट ये जो हम लोगों ने पहले लिखा है ये सिंपली इट्स अ फॉर्मेट, ये स्ट्रक्चर क्या फॉर्मेट फॉलो करेगा ये वो है। तो पहले फॉर्मेट को डिसाइड करते हैं, जब फॉर्मेट डिसाइड हो जाता है तो इस लाइन से हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करते हैं। अब हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि क्या बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का एरे बनाया जा सकता है, हाँ जी बनाया जा सकता है। लेट सपोज अगर मैं ये सारा के सारा, सपोज ये दो स्ट्रक्चर मेरे पास हैं, इनको मैं ऐसे एक बड़े बॉक्स में रख लेता हूँ, ये बड़ा बॉक्स क्या बताने वाला है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। इस बड़े बॉक्स को मैं नाम देता हूँ लेट से ए, तो ये हो जाएगा जीरोथ स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर एट द पोजीशन 1। तो मैं कह सकता हूँ कि ए एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स है जिसमें दो स्ट्रक्चर्स है B1 एंड B2। B1 कहाँ है, जीरोथ पोजीशन पे, और B2 कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब B1 को हम B1 नहीं बोल के हमें बोलने वाले हैं ए ऑफ 0, और B2 को हम लोग बोलने वाले हैं ए ऑफ 1। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि दिस ए इज़ नथिंग बट अ एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स कैसे बनाना है, उसमें यूजिंग दैट एरे नोटेशन कैसे इनिशियलाइजेशन करेंगे मेंबर का और कैसे प्रिंट करेंगे, सो दैट विल बी आवर सेकंड प्रोग्राम। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम एंड विदाउट डिस्कसिंग टू मच थ्योरी, आई टेक यू डायरेक्टली टू द इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म, एंड फॉर दैट आई विल यूज द टर्बो C++ IDE। बहुत सारे बच्चे विजुअल स्टूडियो या VS कोड वगैरह यूज़ करेंगे, वो IDE यूज़ करेंगे एज पर देयर कन्वीनियंट, बट दो चार बेसिक्स आपको याद रखनी कि टर्बो सी कंपाइलर में आपको CLR, SCR और गेट CH लगाना होता है, उनके अपने अपने पर्पस है। लेकिन VS कोड में अगर प्रोग्रामिंग करो या किसी और ऑनलाइन कंपाइलर में प्रोग्रामिंग करो, सो देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई दी CLR, SCR, गेट CH, यू सिंपली राइट मेन एंड
do whatever programming you want to do. Okay, so the very simple step, जैसे हम हमेशा फॉलो करते हैं, पहला स्टेप होगा हम अपने फाइल को सेव करेंगे किस एक्सटेंशन के साथ में, strucc2.c, पहला मैं बना चुका हूँ। पहली लाइन क्या हो गई, इंक्लूड stdio.h। सेकेंड लाइन क्या हो गई, इंक्लूड conio.h, देन योर मेन फंक्शन, विद इन द मेन फंक्शन there will be first mark a clr ser and then your get ch program को output screen को रोकने के लिए। okay, clr ser से ऊपर हम सारा declaration करेंगे। सबसे पहला काम अपने structure का format declare करना। तो मैं कैसे लिखते हैं, struct एक keyword होता है, नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, फिलहाल मैंने बो रख दिया, curly braces बंद भी होगा। इसके अंदर हमने order decide कर लिया, हाँ जी एक order होता है हमारा कि हमको पहले चाहिए एंड पेजेस, ठीक है, फिर मेरे को चाहिए सी एच ए आर नेम जो कि एक कैरेक्टर अभी स्ट्रिंग नहीं है, और फिर हमको चाहिए फ्लोट प्राइस। ये तीन मैंने वेरिएबल डिसाइड कर लिए और इनका ऑर्डर भी डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट इंटीजर, सेकंड कैर एंड थर्ड फ्लोट। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मैं इस फॉर्मेट से पहला वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसे मैं बोलूंगा B1। तो कैसे बनाते हैं, मैंने लिखा स्ट्रक्ट बुक, ये मेरा फॉर्मेट है, देन B1 यहीं पर इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं पहले, या लेट्स सपोज अपने प्रोग्राम को फॉलो कर लेते हैं, मान लेते हैं मुझे चाहिए B1.pages में 280 असाइन करना है, जी कर लिया। B1.name में मान लो मुझे एक कैपिटल A असाइन करना है, कर लिया जी। B1.price मान लो मुझे 23.4 असाइन करना, कर दिया, ठीक है, इनिशियलाइजेशन होगा। अब मुझे देखना है प्रिंट एफ, एक सिंपल स्टेटमेंट लगाते हैं, तो प्रिंट एफ हमने स्लैश एन लगाना है, हमने कहा कि ठीक है पेजेस कितने हैं, पहले जो पेजेस हैं वो कौन से वेरिएबल में हैं, पेजेस के लिए मुझे परसेंट डी लिखना है कॉमा, देन पेजेस के बाद नेम इक्वल्स टू नेम के लिए परसेंट सी लिखना है, देन प्राइस इक्वल्स टू परसेंट एफ लिखना है, ये हमारे इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा। अब मुझे पता है नेम कहाँ है, पेजेस कहाँ है, B1.pages में, देन नेम कहाँ है, B1.name में, और प्राइस कहाँ है, B1.price में, दैट्स इट। आई थिंक द प्रोग्राम इज रेडी, फर्स्ट सेव इट एंड देन रन इट। आई एम गेटिंग वन एरर, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। ओके, अगेन आई फॉरगॉट द बेसिक्स, व्हाइल यू आर डूइंग द प्रोग्रामिंग इन सी योर डिक्लेरेशन शुड बी अबव द clr, इसके ऊपर होना चाहिए, ऑल्ट एफ सेव, ऑल्ट आर रन। ओके, सो हियर यू सी द आउटपुट, पेजेस में 280 था, नेम में ए था, प्राइस में 23.400 था, परफेक्टली एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ओके, ये था हमारा एक तरीका। मान लीजिए मेरे को एक और स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्ट बुक B2, बट अभी इनिशियलाइजेशन करना है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। पहला वैल्यू क्या डालना है, 450, सेकंड क्या डालना है, B, एंड थर्ड क्या डालना है, मान लीजिए 45.6। ऑर्डर जिस ऑर्डर में आपने ये चीज़ें लिखी हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उसी ऑर्डर में आप यहाँ पर वैल्यू सप्लाई करोगे। एंड नाउ आप B को भी प्रिंट करना चाहते हो, तो अगेन द सिमिलर प्रिंट अप स्टेटमेंट, यू हैव टू राइट स्लैश n पेजेज इक्वल्स टू परसेंट d, नेम इक्वल्स टू परसेंट c, एंड प्राइस इक्वल्स टू परसेंट f, देन b2.pages, b2.name एंड b2.price, ये वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया। तो द फर्स्ट लाइन इज प्रिंटिंग फॉर द B1, सेकेंड लाइन इज प्रिंटिंग फॉर द B2, ऑल्ट एफ सेव, ऑल्ट आर रन। सो हियर यू सी द परफेक्टली द टू आउटपुट आर अवेलेबल। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, एंड इन दिस प्रोग्राम वी जस्ट लर्न हाउ वी डिसाइड ऑन और हाउ वी डिक्लेयर द फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड देन वी एक्चुअली क्रिएट द स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ पे अभी हम लोगों ने सिर्फ क्रिएट किया,
या डिक्लेयर किया और नीचे इनिशियलाइजेशन किया। यहाँ पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ कर लिया, दोनों तरीके अलाउड है। और यहाँ पे हम लोग सारे मेंबर का वैल्यूज़ को एक्सेस करके देखना चाहते हैं। बट द आइडिया इज, सपोज द स्ट्रक्चर इज़ B1 और उसके अंदर एक मेंबर है पेजेस, तो कैसे एक्सेस करना, B1.pages से एक्सेस करना। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड प्रोग्राम। सेकेंड प्रोग्राम में हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाना आता है, और एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बना के उसमें वैल्यूज़ का इनिशियलाइजेशन और डिस्प्ले करना आता है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, क्यों इसकी ज़रूरत है, हमें सिंपल सा ये जानना है कि जनरली अगर मान लीजिए मेरे पास 10-20 स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने लग जाए, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग B1, B2, B3, B4, कैन वी क्रिएट अ सिंपल एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। सो ये इस सिंपल से आइडिया के लिए हम लोग एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाना जानते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज सेव द फाइल। इस बार ही हम इसका नाम रखेंगे strucc, struct3.c। पहली लाइन इंक्लूड stdio.h। सेकेंड लाइन इंक्लूड io.h। देन योर मेन फंक्शन, विद इन द मेन फंक्शन कैलिब्रेशन, पहला एंड मार्कर clrscr एंड सेकेंड एंड मार्कर getch। ओके, द बिफोर द clrscr वी जनरली डू द डिक्लेरेशन। फर्स्ट वी विल डिसाइड ऑन द फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट बुक। फिर से वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कैलिब्रेशन से बंद करेंगे। पहले हम लोग क्या रखना चाहते हैं, हम पेजेस रखना चाहते हैं। सेकेंड हम क्या रखना चाहते हैं, हम एक नेम का इनिशियल रखना चाहते हैं। तीसरी चीज़ हम क्या रखना चाहते हैं, फ्लोट प्राइस रखना चाहते हैं। ये हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है, डिसाइड अच्छा हो गया। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है स्ट्रक्ट बुक बी। अगर मैं सिर्फ ये लिखूंगा तो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनेगा, लेकिन अब मैंने बी के साथ में लगा दिया मान लीजिए 3, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि नाउ बी एज अ स्ट्रक्चर और एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर 3 स्ट्रक्चर्स। सपोज ये ऐसे समझ के चलें कि आप B1, B2, B3 बना रहे हैं और फिर उनको एक एरे के अंदर में रख रहे हैं, तो समथिंग लाइक दैट। बट अब हम उनके नाम B1, B2, B3 नहीं रखेंगे, अब हम उनके नाम बोलेंगे B0, B1, B2, एज सिंपल एज। ओके, तो अब ये क्या बनाने वाले हैं, हम एरे ऑफ एक एरे बना रहे हैं, कितने स्पेसेस का, 3 स्पेसेस का। एक स्पेस में क्या होने वाला है, एक स्ट्रक्चर होने वाला है, वो स्ट्रक्चर खुद कितनी चीज़ें रखने वाला है, 3 चीज़ें रखने वाला है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, अब सभी को पता है हम जनरली एक फॉर लूप का यूज़ करते हैं और एरे के साथ में हम लोग डील करते हैं। तो हमने एक आई वेरिएबल बना लिया, देन फॉर, देन आई 0, आई लेस देन, साइज अगर 3 है तो हमने बोल दिया लेस देन 3, तो 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2, दैट विल बी द साइज 3, देन योर आई प्लस प्लस। विद इन द फॉर लूप वी जस्ट इंडिकेट फर्स्ट थिंग प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर पेजेस स्पेस नेम स्पेस प्राइस, जिस सीक्वेंस में हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर में रखते हैं उसे सीक्वेंस हम पूछ रहे हैं, देन योर स्कैनफ। हमको पता है पहले हमें क्या पूछना है, पेजेस वो %d है स्पेस, फिर हमें क्या पूछना है, नेम वो %c है स्पेस, फिर हमें क्या पूछना है, प्राइस %f। देन ऑन द राइट हैंड साइड हमें हमेशा क्या लिखते हैं, हमें पता है कि हमारा एरे है बी, हमें पता है पहला एलिमेंट पकड़ना हो तो B(i) पकड़ेंगे डॉट, उसके अंदर पहले मेंबर को पकड़ा पेजेस, क्योंकि ये एड स्कैन एफ है तो हमें इसका एड्रेस देना होगा। तो ऐसे ही एड्रेस ऑफ B(i) .name, देन एड्रेस ऑफ B(i) .price, दैट्स इट। तो हमारा फॉर लूप चलेगा i = 0 के लिए, तो B(0) के पेजेस में, B(0) के नेम में, B(0) के प्राइस में, फिर उसके बाद i = 1 के लिए चलेगा, तो B(1) के पेजेस नेम प्राइस, देन i = 2 चलेगा, तो B(2) का पेजेस नेम एंड प्राइस,
तो तीनों स्ट्रक्चर में हमारे इनिशियलाइजेशन हो जाएंगे। ओके, इनिशियलाइजेशन हो गया, अब प्रिंट भी करके देख लेते हैं। तो फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन थ्री आई प्लस प्लस, देन द सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट एफ योर फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रिंटिंग के लिए हमें पहले प्रिंट करना है पेजेस को, तो पेजेस इक्वल टू परसेंट डी देन कॉमा नेम इक्वल टू परसेंट सी देन कॉमा प्राइस इक्वल टू परसेंट एफ देन ऑन द राइट हैंड साइड हमें सिंपली बोलना है बी ऑफ आई डॉट पेजेस बी ऑफ आई डॉट नेम देन बी ऑफ आई डॉट price, okay, very simple. So the second for loop is just for printing, ये printing के लिए. So I think हमारा objective पूरा हो गया और अब हम इसको एक बार execute करके देखेंगे. But let me tell you one thing, at this moment most of the compiler will do a problem with this float variable. बहुत सारे C के compiler ये float variable का representation को लेकर के problem करेंगे. उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन एच पर दी एस ओन कानेतकर बुक एक फंक्शन है, वो फंक्शन हमें यहाँ पे लिखना होगा. बट वो फंक्शन क्यों लिखना है और इस फ्लोट को लेकर के क्या जनरली एरर आती है जब हम लोग स्ट्रक्चर के साथ में डील करते हैं, सो दैट इज ऑलरेडी डिस्कस, आई मीन दैट हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस बाय द मैनी ऑथर्स इन द डिफरेंट डिफरेंट बुक्स. बट हम अभी यहाँ पे सिंपली ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उस फंक्शन की ज़रूरत है कि नहीं और क्यों उस फंक्शन की ज़रूरत है. तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग समझते हैं हमारा प्रोग्राम ठीक है, हम सेव करते हैं और रन करते हैं. तो हम लोग अपना पहला डिटेल एंटर कर रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ पेजेस डालने थे, मान लीजिए 234, मान लीजिए नाम ए रखना है और प्राइस में रखना है 34.5. जैसे ही हम फ्लोट को डील करेंगे तो यू सी दैट देयर इज एन एरर, ये आपका प्रोग्राम बाहर आ गया, रन टाइम एरर आ गया. और ये इसलिए आया क्योंकि उस फ्लोट का रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर में सही से नहीं हो पा रहा. तो इसके लिए वो सजेस्ट करते हैं कि मेन के बाहर आपको एक छोटा सा फंक्शन लिंक फ्लोट बनाना है, उसमें ये सिंपल सा कोड लिखना है, फ्लोट ए जीरो पॉइंट ऑफ बी देन ए बी अगर पॉइंटर है तो उसमें एड्रेस ऑफ ए दे दो एंड देन ए में पॉइंटर बी को असाइन कर दो. ये सिंपल सा लाइन है, इसको लिख लेंगे तो हमारा प्रोग्राम ठीक हो जाता है. तो पहला हमें पेजे डालना है 234, फिर डालना है नेम एंड फिर डालना है प्राइस 34.5. सो नाउ यू से दैट देयर इज नो एरर एंड इट इज़ परफेक्टली वर्किंग विद द फ्लोट वेरिएबल्स एज वेल. देन सेकेंड में डालने हैं पेजेस, नाम डालना है बी और सपोज 56.7. एक और वैल्यू मांग रहे, मान लीजिए पेजेस है 567, देन नेम इज सी एंड द प्राइस इज 23.4. सो हेयर यू सी दैट द थ्री डिफरेंट आउटपुट. बट अगेन आई मिस्ड दैट स्लैश इन वाइल प्रिंटिंग, सो ऑल द डिटेल आई एम गेटिंग प्रिंटेड ऑन द सिंगल लाइन. So just to overcome that, put a slash n in front of this string and run it again. So pages space name r and then price 34.5, pages 234 name f and price is 45.5, and then pages 122 then name is let's say w and 67.8 and enter and you see that all the three structure details. So the first structure, second structure, third structure. First structure is denoted by b of 0 then b of 1 and then b of 2, and you see that there is no floating point kind of errors also because of this function. And so please remember, whenever you are doing the structure programming and there is a float in the structure, then this function you have to write as well, link float.
बहुत सारे सी कंपाइलर में भी अगर वी एस कोड में कर रहे हो और इसकी ज़रूरत ना पड़े, सो इट्स वेल एंड गुड, बट टर्बो सी सी प्लस प्लस एनवायरनमेंट में जो प्रोग्रामिंग करेंगे उनको इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है. ओके, सो विद दिस आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर फंडामेंटल टुडे. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर डेटा आइटम्स. सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड ऑन द फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रक्चर. एंड जब आप इस तरीके से फॉर्मेट डिसाइड करते हो तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट और अलग अलग साइज से स्टार्ट होने वाला बनेगा. स्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या है, जब आप सिंपली ये लाइन लिखते हो स्ट्रक्ट बुक B1, सो आप B1 नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहे हो. सो दैट्स वाई B1 इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर वेरिएबल. और इस तरीके से स्ट्रक्चर एक तरीके का डेटा टाइप भी बन जाता है. जैसे सपोज हम लोग इंट ए लिखते हैं तो ए एक इंटीजर वेरिएबल बन जाता है. तो अब हमने लिखा स्ट्रक्ट बुक B1, तो अब B1 एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बन जाएगा. और किस फॉर्मेट का स्ट्रक्चर होगा, बुक फॉर्मेट का स्ट्रक्चर होगा जो यहाँ हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है. ओके, सो एक बन जाएगा, फिर उसके अंदर मेंबर का इनिशियलाइजेशन कर सको, मेंबर का एक्सेस कर सको, और अगर एरे बनाने की ज़रूरत पड़ी तो एरे भी हम लोग बना लेते हैं. ओके, सो थैंक यू गाइस, एंड यू प्लीज़ फाइंड द वीडियो एट द एंड ऑफ सॉरी द कोड इम्प्लीमेंटेशन एट द एंड ऑफ द वीडियो. ओके, माई स्टाइल इज फर्स्ट आई विल डिस्कस द बेसिक्स और लॉजिक एंड देन एट लास्ट आई विल टेक यू टू द मेन टर्बो सी सी प्लस प्लस आई डी विंडो. सो इन एट द एंड ऑफ एवरी विंडो यू विल बी गेटिंग दैट प्रोग्रामिंग कोड और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड देन यू विल बी फाइंडिंग द इम्प्लीमेंटेशन कोड एज वेल. Okay, so if you are very well on the this logic part, so then you can skip directly to that implementation part and do implementation as on your machine and try to learn from that video. Video ko pause karke aap aaram se learn kar sakte. Still, if you feel any difficulty, so we will come up with a new exercise with the structure in the next coming lecture. So till then, thank you. And have a nice day.